मनोविज्ञान में अभी पीजी कर रही हूँ, मास्टर कर रही हूँ और मैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज का तैयारी भी करती हूँ। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि पढ़ाई वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वही कहते हैं सबको, महिलाएं हमारी घर की, देश की एक रीढ़ होती है, रीढ़ हर रीढ़ की हड्डी होती है। उनके बिना हमारी बॉडी एकदम खड़ी नहीं हो पाएगी, हमारा शरीर कहीं भी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो घर की रीढ़ होती हैं। हर महिलाओं को होना चाहिए कि अपनी बेटी, चाहे घर में कोई भी हो, बेटा बेटी, सबको काम से हटा के पहले पुस्तक दे कि बेटी तुम पहले पढ़ाई करो, बाद में तुम काम करो। वो आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। लड़के तो बढ़ ही रहे हैं, सब बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो और बात करते हो जैसे मोहम्मद, हाँ महबूब आलम, डॉक्टर महबूब आलम जी को मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, मेरा दिल छू गया जो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मवादी जो फायदा उठाते मुस्लिम और हिंदू का, उस चीज़ को आप देख सकते कि कैसे वो लोग दो हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के हमें और भी चीज़ बेरोजगारी हो गया या फिर और भी चीज़ भ्रष्टाचारी हो गया, उस चीज़ से ध्यान हटा के हम इस चीज़ पर लगा देते हैं। आज तक वो लोग कभी इस चीज़ पे नहीं लड़े हैं कि हाँ वहाँ पे बाबरी मस्जिद की जगह स्कूल बनना चाहिए, कभी नहीं बोलते। नहीं, स्कूल पढ़ाई इन सब से दूर रखे, जितना हमें दूर रख सकते हैं लड़ाई करवा देते हैं। उन्होंने खुद धर्म बनाया है और हमें धर्म में लड़वा देते हैं, हम लड़ जाते हैं। हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मेरे बाबा जुदागीराम कहते हैं कि मनुष्य का कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। मनुष्य जैसे जानवर को एक गाय को गाय का दिया हुआ है, जिसे और भी पक्षी को पक्षी के नाम से दिया हुआ है, वैसे ही हम मनुष्य को मनुष्य के नाम से जाना चाहिए। ये नहीं कि जातिवाद में उनको बांट देना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा शिक्षा है। आज मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूंगी तो आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी, आप लोग क्या मेरे लिए होगा ये बहुत बड़ा चीज। मैं हथियार बनूंगी आप लोगों के लिए, आगे बढ़ूंगी और जरूर मैं पहली बार आई हूँ और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं हमेशा आऊंगी आप लोगों के पास। और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ बोलना होगा तो मैं जरूर आऊंगी आगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।